केरल में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अलेप्पी में सैलाब के बीच एक घर में फंसी 28 लड़कियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वायुसेना ने एक एक कर 28 में से 13 लड़कियों को किया रेस्क्यू। बाद में बारिश के चलते रोकना पड़ा ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर में आते ही फूट फूट कर रोए पीड़ित। 3 दिनों से नहीं मिला था खाना पानी। अलेप्पी में रेस्क्यू मिशन के बीच दिखा हैरान करने वाला नजारा। पीड़ितों के बीच हेलीकॉप्टर से घर ढहने की आशंका को लेकर हो गई मारपीट। केरल के चिंगनानूर में बाढ़ में फंसे लोगों को आसमान से राहत सामग्री गिराकर पहुंचाई गई मदद। बड़ी तादाद में एक जगह पर नजर आया आपदा पीड़ित। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर घर के छतों पर खड़े होकर मदद मांगते दिखे लोग। सैलाब से पूरी तरह घिरा नजर आया चिंगनानूर का पूरा इलाका। केरल के पुडुचेरी इलाके में सैलाब के बीच एक घर में फंसे लोगों को सेना ने किया रेस्क्यू। बीमार लड़की को कंधे पर लाद कर लाए जवान। आसमान से ली गई तस्वीरों में समंदर में समाया सा दिखा केरल का मंजर। हर तरफ दिखा जल ही जल, लेकिन पीने के पानी का बड़ा संकट। केरल के कालामसेरी एर्नाकुलम में भीषण तबाही। घरों की पहली मंजिल तक जल भरा। छतों पर शरण लिए दिखे जानवर। एर्नाकुलम के कई इलाके में कमर तक जल भरा। नाव से रेस्क्यू किए जा रहे लोग। सैलाब प्रभावित इलाके में ट्रकों और ट्रैक्टर पर लाद कर पहुंचाई जा रही नाएं। सौ सालों की सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहा है केरल। भारी बारिश और सैलाब में अब तक गई है 357 लोगों की जान। केरल में आज पीड़ितों के लिए आज थोड़ी राहत की बात। मौसम विभाग ने आज के लिए नहीं जारी किया है कोई भी अलर्ट। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवा अभी भी बहाल नहीं। 26 अगस्त तक करना होगा इंतजार। तमिलनाडु उत्तराखंड ने 5 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 15 करोड़, महाराष्ट्र ने 20 करोड़ और दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रुपए का केरल को दिया अनुदान। केंद्र ने 600 करोड़ का दिया राहत पैकेज। केरल की मदद के लिए आगे आया बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विवेक ओबेरॉय ने लोगों से मदद की अपील की। कोची में कई इलाकों में सड़कों पर चल रही नाव, लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकाला जा रहा। कोची में सड़क मार्ग और मेट्रो के जरिए बाढ़ पीड़ितों को राहत कैंपों तक पहुंचाया जा रहा। केरल में ऑपरेशन मदद में आज 11वां दिन। अब तक कुल 72 टीमें तैनात। 8 नई टीमों को आज से राहत कार्य में लगाया जाएगा। 42 राहत टीम सिर्फ एर्नाकुलम जिले में तैनात। सैलाब के बीच पेयजल संकट से जूझ रहे केरल की मदद के लिए आ गया है रेलवे। पुणे डिवीजन ने 29 टैंकर वैगन के साथ कायमकुलम जंक्शन भेजी ट्रेन। केरल में राहत पैकेज पर शुरू हुई राजनीति। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का आरोप। केरल को 2000 करोड़ राहत पैकेज की है तत्कालीन जरूरत, लेकिन केंद्र से मिला सिर्फ 500 करोड़। भारी बारिश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में आई आफत। पानी पानी हो गया समूचा शहर। यूपी के संत कबीर नगर में उफान पर घाघरा नदी। तमाम गांव बाढ़ की चपेट में। स्कूलों में जलभराव। फसलें बर्बाद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई गांवों का कटा संपर्क। चंद्रपुर से तेलंगाना को जोड़ने वाले हाईवे पर आया वर्धा नदी के उफान का पानी। पल भर में हुआ क्षतिग्रस्त। दोनों सिरे पर लगा जाम। ओडिशा के कालाहानी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बीमारी का बढ़ा प्रकोप। डायरिया से 2 लोगों की मौत। 4 अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की अगले 24 घंटे कई इलाकों में बारिश की चेतावनी है। जोशीमठ से सलोड डूंगरा सहित कई गांवों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद। ग्रामीणों का कटा शहर से संपर्क। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार बारिश से तबाही। ठप पड़ी केदारनाथ यात्रा। कर्नाटक के कोडागु में सैलाब और भूस्खलन की तबाही में बीच फंसे 180 लोगों को किया गया रेस्क्यू। जोडुपाला इलाके में फंसे थे सभी लोग। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया हवाई सर्वे। देश के जनजातियों को अटल जी जोड़ने का सपना देखा करते थे, उन्हीं नदियों
में विसर्जित की जाएगी उनकी अस्थियां। आज हरिद्वार में गंगा में होगा अटल जी की अस्थियों का विसर्जन। दिल्ली के स्मृति वन से अटल का अस्थि कलश लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजनाथ सिंह हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी भी उनसे जुड़ेंगे, साथ मिलकर हर की पैड़ी में अस्थि विसर्जन करेंगे। वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बहने वाली करीब 47 नदियों में भी अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। योगी सरकार ने यूपी के बलरामपुर में अटल जी के स्मारक का कराएगी निर्माण। 1957 में बलरामपुर से सांसद चुने गए थे वाजपेयी। अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर, कानपुर और लखनऊ समेत कुल 4 स्थानों पर अटल जी के स्मारक बनाने की है तैयारी। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले लगकर बुरे फंसे नवजोत सिंह सिद्धू, बीजेपी ने साधा निशाना, शिवसेना ने किया प्रदर्शन। नवजोत सिद्धू के पाक दौरे पर बीजेपी ने राहुल गांधी से मांगा जवाब, कहा कांग्रेस अध्यक्ष बताएं कि क्या उन्होंने सिद्धू को जाने की मंजूरी दी थी। राहुल जी, क्या नवजोत सिद्धू जी ने जाने से पहले कांग्रेस पार्टी और आपसे परमिशन लिया था? डिड यू ग्रांट परमिशन और डिड यू नॉट ग्रांट परमिशन? क्या आपने परमिशन दिया था? बीजेपी ने पीओके के राष्ट्रपति के पास सिद्धू के बैठने पर पाक आर्मी चीफ के गले मिलने पर उठाए सवाल, कहा सिद्धू चाहते तो मना कर सकते थे। गले मिलने के पश्चात ये जो बैठने का प्रोटोकॉल था उसमें सिद्धू जी को पीओके के प्रेसिडेंट मसूद खान के बगल में नहीं बैठना, सिद्धू जी मना कर सकते थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से गले मिलने पर बोले सिद्धू, कहा जनरल बाजवा ने कहा हम शांति चाहते हैं। जनरल बाजवा मेरे को आए, जनरल साहब ने जफी पा के मेरे नाल कीतियां और फिर उन्होंने एक गल कही, वी वांट पीस। जनरल बाजवा विवाद पर सिद्धू की सफाई, मैं राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान आया। मैं सोच के आया सीगा कि मैं दे थे दोस्ती याराने करके चले हैं, कोई पॉलिटिकल गलत करनी नहीं। पूरे विवाद पर कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बोले नवजोत के दौरे से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, मुनीर जी दौरे पर गए थे इस्लामाबाद। तेईस अगस्त को राहुल गांधी यूरोप और लंदन की यात्रा पर होंगे रवाना। राहुल की इस यात्रा को 2019 के चुनाव और एनआरआई मतदाताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा। राहुल गांधी लंदन में कारोबारियों और राजनेताओं से करेंगे मुलाकात, लेकिन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम रद्द होने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी के दबाव में कार्यक्रम का न्योता रद्द करने का लगाया आरोप। सिर्फ इंडिया के सह अध्यक्ष रामी रेंजन ने राहुल का कार्यक्रम रद्द होने के पीछे कमरे की बुकिंग नहीं हो पाने का दिया हवाला। बीजेपी के किसी भी तरह के दबाव की खबर को किया खारिज। मणिशंकर अय्यर की फिर कांग्रेस में हुई वापसी, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने निलंबन रद्द किया। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद निलंबित किए गए थे मणिशंकर। राफेल सौदे पर मोदी सरकार को बेनकाब करने के लिए राहुल गांधी ने बनाई 6 सदस्यों वाली कमेटी, रणदीप सुरजेवाला करेंगे कमेटी की निगरानी। देश के 100 शहरों में कांग्रेस के 50 प्रवक्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता तक पहुंचाएंगे कथित राफेल घोटाले की बात। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कोफी अन्नान का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड कलाकार निक जोनास के साथ रिश्ता पक्का, मुंबई में एक समारोह में हुई सगाई। नशे में धोते एक युवक ने फावड़े से काटकर एक शख्स की जान ली, गई युवकों को हमला कर किया घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के महिसागर में एक घर में महिला को बंधक बनाने वाला अपराधी साजिद शेख पुलिस को गोली का बिना शिकार, एनकाउंटर के दौरान साजिद ने हमला कर 4 पुलिसकर्मियों को किया था घायल। साजिद के एनकाउंटर पर कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव, पैरोल पर छूटा साजिद, कई वारदात को दे चुका था अंजाम।
महाराष्ट्र के चर्चित नरेंद्र अबोलकर हत्याकांड में 28 साल का आरोपी सचिन प्रकाश राव गिरफ्तार, सीबीआई ने औरंगाबाद से किया गिरफ्तार। मणिपुर में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने के बिस्किट सीज, म्यांमार बॉर्डर से सोने और ड्रग की तस्करी पर कसा शिकंजा। उज्जैन में एक कार ने साइकिल से जा रही छात्रा को मारी टक्कर, हवा में उछल कर गई, कलाबाजियां खाते हुए सड़क पर गिरी छात्रा। छात्रा को टक्कर मारकर कार चालक हुआ फरार, घायल छात्रा को लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, तेजी हो रहा हालत में सुधार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक घर में मिला मां बेटे का शव, पुलिस की तफ्तीश जारी है। दिल्ली के गुरुग्राम में पुलिस ने दो नाइजीरियाई युवकों को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ की हेरोइन बरामद। डेरे में चलती कार में लगी आग, सभी यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने से नाराज था आरोपी। मोतिहारी में एक प्रोफेसर से कुछ लड़कों ने की मारपीट, वीडियो वो वायरल, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। दिल्ली में 7 महीने से फरार चल रही लेडी डॉन की गिरफ्तारी, 8 बेटों के साथ चलाती है गैंग, हत्या समेत 113 मामले दर्ज। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ढाबे पर पहुंचकर की फायरिंग, पुलिस ने शुरू की जांच, दुकान मालिक का आरोप, पहले भी आए थे नकाबपोश। कानपुर के प्रतिष्ठित स्कूल के क्लर्क पर छात्रा से रेप का आरोप, अश्लील तस्वीर लेकर ब्लैकमेल करने का भी इल्जाम, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की पूछताछ। यूपी के फतेहपुर में बुजुर्ग को रेप का मुकदमा, वापस ना लेने पर खोनी पड़ी जान, आरोपियों ने रात को ट्यूबवेल पर सो रहे दंपत्ति को लाठी डंडों से पीटा। सूरत में घरेलू झगड़ों से परेशान होकर पति ने की पत्नी की हत्या, 3 साल की मासूम के सामने ही हुआ कत्ल। छिंदवाड़ा में 15 साल के बेटे ने पढ़ाई के लिए डांटने पर मां की रॉड से की हत्या, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी को। जालौन में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर किया मां बेटे का कत्ल, घर में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार। उत्तरकाशी के गांव में देर रात नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या, 4 मजदूरों पर आरोप, लोगों ने आक्रोशित होकर लगाया जाम। एम्स में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, गर्भवती पत्नी को भर्ती कराने के लिए आया था शख्स। दिल्ली के बिंदापुर में पुलिस ने एक शख्स को 50,000 की रंगदारी मांगने के आरोप में किया गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में हथियारों की खेप ले रहे 11वीं के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बरामद किया हथियारों का जखीरा। यूपी के शाहजहांपुर में तीसरी बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी का किया कत्ल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चेन्नई में 3 साल की छात्रा ने तीर